नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता सिन्हा एक बार फिर अपने चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा टैरो की दी गई जानकारी आप सबको पसंद आई होगी और आप सब मेरे द्वारा टैरो की 78 कार्ड की दी गई जानकारी से आप लोग कुछ सीखे भी होंगे। आज मैं बात करूँगी टैरो कार्ड रीडिंग में स्प्रेड कैसे करते हैं। वैसे तो टैरो कार्ड स्प्रेड करने के अलग बहुत सारे तरीके हैं अकॉर्डिंग टू क्लाइंट क्वेश्चन, कि सामने वाला किस तरह के क्वेश्चन कर रहा है उसके अनुसार हम स्प्रेड करते हैं। आज मैं आप सबों को टैरो स्प्रेड के कुछ सिंपल मेथड बताऊंगी और किसी भी सिचुएशन को जानने के लिए जो मेथड मैं आप सबको बताऊंगी वो बहुत ही सरल है। और अगर आप अभी अभी टैरो स्प्रेड सीख रहे हैं तो उसके लिए ये आसान तरीका भी है। पहले स्प्रेड में मैं आपको बताऊंगी कि हम 3 कार्ड का स्प्रेड करते हैं और 3 कार्ड को निकाल करके किसी भी क्वेश्चन के लिए हम देखते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो 3 कार्ड स्प्रेड में पहले हम पास्ट, उसके बाद प्रेजेंट जो अभी की सिचुएशन क्या है एंड फ्यूचर, ये 3 कार्ड को निकाल करके और हम रीडिंग करते हैं, जो बहुत ही सिंपल मेथड है और इजी मेथड है। दूसरा तरीका है 5 कार्ड स्प्रेड का। ये तरीका जो है 5 कार्ड स्प्रेड का, ये बहुत सारे रीडिंग में हम यूज करते हैं। जैसे मनी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कैरियर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, ट्रेवल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, तो उसमें हम 5 कार्ड स्प्रेड हम करते हैं। तो 5 कार्ड स्प्रेड में हम सबसे पहले जो है कार्ड जो हम लेते हैं वो प्री कंसीव आइडिया के लिए लेते हैं। सेकंड नंबर पे हम लेते हैं प्रेजेंट सिचुएशन के लिए लेते हैं। तीसरा कार्ड हम अनएक्सपेक्टेड आने वाले सिचुएशन के लिए लेते हैं एंड फोर्थ कार्ड हम इसमें निकालते हैं नियर फ्यूचर में कैसा रहेगा उसके लिए लेते हैं। पांचवा कार्ड हम लेते हैं डिस्टेंट फ्यूचर के लिए और इन 5 कार्ड के स्प्रेड के द्वारा हम रीडिंग करते हैं। तीसरा तरीका है यस और नो सिचुएशन के लिए। किसी भी सवाल के लिए अगर इस तरह का सवाल हो कि ये काम होगा या नहीं होगा, तो हम यस और नो के लिए 2 कार्ड हम चूज़ करते हैं जिसमें यस और नो का आंसर हमें मिल जाता है। चौथा मेथड है 7-day स्प्रेड। 7-day यानी हम जिस दिन से हम शुरुआत कर रहे हैं वो पूरे वीक के लिए हम करेंगे। पहला टुडे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स्थ डे, 7-day एंड 8वां कार्ड हम निकालते हैं ओवरऑल वीक के लिए। तो ये है पूरे वीक के स्प्रेड में हम 8 कार्ड के द्वारा हम 7 days स्प्रेड करते हैं। और सेम इसी तरीके से हम ईयरली प्रिडिक्शन के लिए भी हम स्प्रेड करते हैं। ईयरली प्रिडिक्शन के लिए हम 13 कार्ड चूज़ करते हैं यानी जनवरी से लेकर दिसंबर तक, और 13वां कार्ड जो है ओवरऑल ईयर का आउटकम के लिए हम स्प्रेड करते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ
की टैरो स्प्रेड की जानकारी मेरे द्वारा दी गई आप सबको समझ में आ गई होगी। और साथ ही मैं जितने तरीके का स्प्रेड आप सबको बताई हूँ, ये इन जनरल में इन सारे स्प्रेड को हम कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई सवाल हो, कैरियर से रिलेटेड सवाल हो, मनी से रिलेटेड सवाल हो, पार्टनरशिप से रिलेटेड सवाल हो, आप वहाँ पर ये सारे मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे यस और नो का, तो एक क्वेश्चन मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूँगी कि जैसे कोई पर्सन आपके पास में आया और वो आपसे ये सवाल करता है कि मैं किसी व्यक्ति का नाम लेकर के कि मैं इस पर्सन के साथ में पार्टनरशिप में ये बिज़नेस करूँ या ना करूँ, तो आप यस और नो का स्प्रेड आप दो कार्ड से आप कर सकते हैं। उसी तरीके से पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर को जानने के लिए इन जनरल हम कर सकते हैं, मनी से रिलेटेड हो तो भी या रिलेशनशिप से रिलेटेड हो तो भी। तो दोस्तों, इसके साथ ही अब मैं आप सब से विदा लेती हूँ, मिलती हूँ कल फिर एक नए वीडियो के साथ में, एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप मेरे वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।